एंड अगेन वेलकम टू माय चैनल साइंस स्किल। मैं फिर से इस चैनल पर लाया हूँ एसएससी सीएचएसएल का रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीजनिंग के पहले क्वेश्चन से। आप देख पा रहे होंगे ये मिसिंग कैरेक्टर है फिगर में। यहाँ पे वाट दिया हुआ है, 60 है, 37 है, 23 है, फिर 14 है, फिर 9 है, उसके बाद 5 है, 4 है। तो यहाँ पर क्या होगा? तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 5 है। तो 4 और 5 का सम दे रहा है 9, और 5 और 9 का सम दे रहा है 14, 14 और 9 का सम दे रहा है 23, 23 और 37 का सम दे रहा है 60, उसी तरह से 60 और 37 का देगा 97। तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। तो ये आसान ही था, अगर दिमाग लग जाएगा तो आसान है, नहीं लग पाएगा तो यही हार्ड हो जाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे सवाल ये है कि ये फिगर किस पार्ट से काटेंगे तो निकलेगा, ऐसा फिगर ये चार ऑप्शन में से किस से निकलेगा। तो पहला बात आप देख पा रहे होंगे ये है समांतर चतुर्भुज, नहीं बोल सकते, हाँ दो दो भुजा समांतर और दो समलंब बोल सकते हैं, समलंब चतुर्भुज। तो यहाँ पे देख पा रहे हो इससे तो नहीं निकलेगा, इससे भी नहीं निकलेगा, इससे भी आप देख पा रहे होंगे नहीं निकलेगा, लेकिन इससे निकल जाएगा क्योंकि ये दोनों समांतर है और ये दोनों असमांतर है। तो या फिर किसी इसी से हम लोग निकाल सकते हैं ऐसा फिगर कि दो भुजा समांतर और दो असमांतर। तो ये ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा। सवाल ये था कि ये फिगर किस फिगर में से कट के निकलेगा ऐसा, तो हम लोग को बोल सकते हैं इसका चौथा नंबर होगा। नेक्स्ट है 169 है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे बोल रहा है 25 है, तो क्या होगा? आप देख पा रहे होंगे 12 में एक जोड़ने पर 13 और 13 का स्क्वायरिंग होता है 169, मतलब कि 169 होता है 13 का स्क्वायर, ये होता है 13 का स्क्वायर, ये होता है 13 का स्क्वायर। और 13 कब आएगा? जब 12 में एक जोड़ेंगे। तो आप खुद समझिए ना, यहाँ पे 25 है तो 25 कितना का स्क्वायर होता है? 5 का स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे 4 होगा तभी तो एक अपने तरफ से जोड़ेंगे। जैसे यहाँ पे जैसे 169 13 का स्क्वायर हो रहा था, 13 में से एक घटा कर यहाँ लिखा गया है, उसी तरह से 25 होता है 5 का स्क्वायर, तो 5 में से एक घटा देंगे तो ऑप्शन नंबर चौथा 4 हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। बोल रहा है कि इफोरेसेंट का कौन नहीं बनाया जा सकता है। तो बिल्कुल इसमें से चारों ऑप्शन को देखा जाता है कि कौन बनाया जा सकता है, कौन नहीं बनाया जा सकता है। तो यहाँ ओरेस्टिक ओ आर ई एस टी सी ओ आर ई एस टी सी ये तो बनाया जा सकता है। डिसेंट चेक करते हैं, तो डिसेंट नहीं बनाया जा सकता है क्योंकि डी यहाँ पे यूज हुआ है और इसमें कोई भी मीनिंग में डी नहीं है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 3 नहीं बनाया जा सकता है और नहीं बनाने वाला ही ऑप्शन चुनना था। जी हाँ, आप हमेशा आपको हम ये बताना चाह रहे हैं कि आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, कभी कभी बनाया जा सकता भी दिया रहेगा, कभी नहीं बनाया जा सकने वाला भी ऑप्शन चुनना पड़ सकता है, तो जैसे सवाल बोलेगा वैसे काम करेंगे। नेक्स्ट है रेशियो वाला कि जीडीएम का जो रिलेशन आर ओ एक्स के है साथ है, वही एओपी का रिलेशन किसके साथ होगा। तो जीडीएम, जी का मतलब होता है 7 और आर का मतलब होता है 18, तो 7 में 11 जोड़ रहे हैं तब जाके 18 हो रहा है। डी का मतलब होता है 4 और इस ओ का होता है 15, तो 4 में 11 जोड़ रहे हैं तब जाके 15 हो रहा है। और एम का होता है 13 और इसमें अगर 11 जोड़ रहे हैं तब जाके 24 हो रहा है। x का वैल्यू होता है 24, o का 15, 18। उसी तरह से हम देख क्या रहे हैं ना कि सब में 11 11 जोड़ रहा है। तो चलिए एक a का होता है नंबर 1 और नंबर 1 में अगर 11 जोड़ेंगे तो होता है 12 और 12 पर होता है l। तो l ऑप्शन देख पा रहे होंगे तीसरा में भी है, दूसरा में भी है। आगे चेक करते हैं, o का होता है 15 और 15 में अगर 11 जोड़ेंगे, O का होता है 15, इसमें 11 जोड़ेंगे तो होगा 26 और 26 पे होगा Z, तो दूसरे नंबर पे Z होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। नेक्स्ट चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं। तो यहाँ 16 है, यहाँ 33 है, यहाँ 53 है, 76 है, 102 है, तो यहाँ पे क्या होगा? ऐसा करते हैं 16 दूना 32 और 1 33, 33 और नहीं हो रहा है यहाँ पे, यानी कि मल्टीपल का कोई चांस नहीं बन रहा है। तो चलिए देखते हैं अंतर देखते हैं। तो 16 से ये कितना का अंतर है? तो 16 से ये 17 का अंतर है और ये कितना का अंतर है? तो ये अंतर है 20 का, ये अंतर है 23 का, ये अंतर है 26 का।
तो आप देख पा रहे होंगे ना कि शुरुआती 17 का था, फिर 20 हुआ, फिर 23 हुआ, फिर 26 हुआ, उसी तरह से अगला 29 होगा, तो 29 जोड़ेंगे तो 102 में 29 हो जाएगा, 131 ऑप्शन नंबर पहला सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक खेल अकादमी में सीधे क्रिकेटर को एक ब्रीथ के द्वारा फुटबॉल खिलाड़ी को, देखिए बोल रहा है क्रिकेटर, ब्रीथ बता रहा है क्रिकेटर, क्रिकेट फुटबॉल खिलाड़ियों को त्रिभुज द्वारा, ये फुटबॉल है, फुटबॉल खिलाड़ियों को त्रिभुज द्वारा, और टेनिस खिलाड़ी को वर्ग द्वारा, ये वर्ग है टेनिस, और के द्वारा वर्ग द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, यानी कि जो फिगर दिया है, इस फिगर में बोल रहा है कि जो ब्रीथ है वो क्रिकेट खेल को दर्शा रहा है, जो त्रिभुज है वो फुटबॉल को दर्शा रहा है, जो वर्ग है वो टेनिस को दिखा रहा है। तो बताना ये है कि चित्र में सबसे अधिकतम प्रतिनिधित्व किसका है, यानी कि फिगर में सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व किस खेल का है। तो आप देख पा रहे होंगे कि सबसे ज्यादा एरिया में तो त्रिभुज है, सबसे कम एरिया में वर्ग है, तो त्रिभुज जो है, त्रिभुज में हम बोल सकते हैं कि फुटबॉल भी आ गया और इसमें क्रिकेट भी आ गया, तो फुटबॉल खिलाड़ियों और क्रिकेट खिलाड़ी दोनों आ गया। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं, क्रिकेट तो अकेला नहीं होगा, फुटबॉल भी नहीं होगा, टेनिस भी नहीं होगा, फुटबॉल खिलाड़ी क्रिकेट की क्षमता दी, जी हाँ फुटबॉल भी आ गया इसमें, क्रिकेट भी आ गया। तो आप देखना था कि किसका एरिया सबसे ज़्यादा है, तो ये त्रिभुज का एरिया ज़्यादा था, इसमें क्रिकेट वाला भी आ जा रहा है क्योंकि ब्रीथ के अंदर है, तो क्रिकेट भी आएंगे और फुटबॉल भी, तो ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि अधूरा आकृति है उसको पूरा करना है, इस अधूरे आकृति को पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ हमको चाहिए, वो चाहिए होता है कि फिगर को देखना, फिगर को देख पा रहे होंगे, ये जो मुड़ा हुआ पेज है पहले इधर मुड़ा, फिर इधर इस कोने पे मुड़ा, यानी कि इस कोने से इस कोने गया, इस कोने से फिर इस कोने गया, यानी कि यहाँ से अब की बार यहाँ जाएगा, मतलब कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे मुड़ा हुआ था, फिर इस साइड मुड़ा, फिर इस साइड मुड़ा, तो अब की एकदम गारंटी है इस साइड मुड़ेगा, यानी कि मुड़ा हुआ पेज इस साइड होना चाहिए। तो आप ऑप्शन में देखिए, तो इस साइड में पहला भी है, दूसरा भी है, तीसरा भी है, ये तो गारंटी है। अब हम ये बोल सकते हैं कि जिधर पेज मुड़ा हुआ है उधर त्रिभुज का कोण होना चाहिए, ये जो कोण बन रहा है ना, जिधर पेज मुड़ा हुआ है उधर हमें कोण चाहिए। देखिए यहाँ पे भी जिधर पेज मुड़ा उधर से ये कोण बना लिया, यानी कि सुई बोल सकते हैं इसका मुंह, तो उसी तरह से इधर पेज मुड़ा हुआ है तो इधर तो नहीं है सुई, यहाँ भी सुई नहीं है, यहाँ पे भी उधर ही सुई है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे आप मुड़ा हुआ तो ठीक है ये तीनों में है, लेकिन हमें जो चाहिए ट्रायंगल जो अंदर है इसके, उसका जो मुंह है, कोना है, एंगल है, बिल्कुल इसके सामने चाहिए, तो ये बिल्कुल इसके सामने है, इसके सामने भी है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही है। नेक्स्ट है नाइन नंबर में हम क्वेश्चन को देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन है 5 का जो रिलेशन 36 से है वही रिलेशन 7 का किससे होगा। तो आप हम अब ये सोच रहा होगा कि 5 से ये कैसे 36 लिखा जा रहा है, तो आप देख रहे हैं कि 36 जो होता है 6 का स्क्वायर होता है और यहाँ पे दिया है 5, इसका मतलब ये हुआ कि 5 में एक जोड़कर, 5 में एक जोड़कर उसका स्क्वायर कर रहा है, मतलब 5 में एक जोड़ा 6 और 6 का स्क्वायर किया बन गया 7, 6 का स्क्वायर किया बन गया 36, और यहाँ 7 है तो 7 में के लिए हम लोग करेंगे क्या, एक जोड़ेंगे तो बन गया 8 और 8 का स्क्वायर करेंगे 64, ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये है मिसिंग कैरेक्टर का क्वेश्चन। मिसिंग कैरेक्टर के क्वेश्चन में हमें ये देखना होता है कि यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ पे वाट की जगह पे क्या रखा जाए, जो सब में जो लॉजिकली हो रहा होगा इसमें भी वही होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि 4 3 12 और 2 14, 6 6 के 24 और इसमें 2 जोड़ रहे हैं तो 26, उसी तरह से 5 3 15 में 2 जोड़ेंगे तभी तो 17 होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यहाँ भरा जाएगा 2, क्योंकि 5 3 15 और 2 17, 6 6 के 24 और 2 26, सब में वही सेम होना चाहिए। अब यहाँ बोल रहा है कि कौन विषम है, यानी कि 4 ऑप्शन में हमें ऑड चुनना है, ऑड चुनने के पहले सबका हम नंबरिंग करते हैं। तो ये यू है, यू का नंबरिंग 21 होता है, यहाँ 22 होता है, और भी का 22 और एक्स का होता है 24। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि
21, 22 और 24 हुआ। बी सी डी देखिए तीनों लगातार है, पी क्यू आर तीनों लगातार है, एच आई जे तीनों लगातार है, लेकिन यू वी एक्स नहीं होना चाहिए था, यहाँ यू वी डब्ल्यू होना चाहिए था, जब क्योंकि यहाँ बाकी तीन सेम सेम है और ये तीन एक ठो अलग है, इसलिए हमको अलग वाले को चुनना था, ऑड वाले को चुनना था, जो विषम होता है उसको चुनना था। तो यहाँ पे ये तीनों सेम सेम है क्योंकि सब लगातार है और यहाँ पे लगातार नहीं है क्योंकि यहाँ पे एक गैपिंग कर दिया, इसलिए हम लोग यहाँ बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पे क्या रखा जाए जो मतलब कि जो ऑप्शन में है, पहले गुना है तो यहाँ गुना रखेंगे, यहाँ जोड़ है तो यहाँ जोड़ रखेंगे, गुना है तो यहाँ गुना रखेंगे, तो ये तो गुना वाला होगा नहीं क्योंकि सबको गुना करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि इक्वल टू में रिजल्ट क्या आ रहा है, तो ये तो हम लोग चेक ही नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि बराबर नहीं है। अक्सर वही चीज़ों को चेक करना है जिसमें एक कम से कम बराबर रहना चाहिए, तभी तो इक्वेशन को पता चेक कर पाएंगे कि सही इक्वेशन है कि गलत इक्वेशन है। यहाँ पे देखिए बराबर लगाया है, यहाँ पे फिर गुना करना है, फिर जोड़ना है, तो चार दुना को आठ गुना किए और आठ में 184 को जोड़ेंगे तो यहाँ नहीं आ सकता, इसलिए दूसरा ऑप्शन गलत है। ये कैलकुलेशन है और जिसका जितना ज़्यादा फास्ट कैलकुलेशन रहेगा वो जल्दी टिक कर पाएगा, इसके लिए और कोई भी रूल नहीं है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे गुना है, यहाँ पे भाग है, यहाँ पे बराबर है, तीसरा ऑप्शन को चेक करते हैं। ये ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से ही चेक किया जाता है और कोई अदर कोई रूल्स नहीं है, तो यहाँ पे कर पा रहे हैं हम लोग चेक। तो पहले डिविजिबल होगा, दो में चार में दो से भाग करेंगे दो और 92 को दो से भाग गुना करेंगे तो बन जाएगा 184, तो ऑप्शन नंबर तीसरा है, यानी कि तीसरा सही है। इस समीकरण को करने के लिए आपको यहाँ पे गुना करना पड़ेगा, यहाँ भागा करना पड़ेगा, यहाँ बराबर करना पड़ेगा, तो जो सही मिल गया तो आगे फिर क्यों चेक करेंगे, नहीं चेक करेंगे। नेक्स्ट है एक है, पाँच है, वाट है, 22 है और 35 है। इसको चलिए देखते हैं कि इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे। एक, पाँच, 22 और 35, एक और पाँच का अगर अंतर देखें तो यहाँ पे बन गया एक और पाँच का अंतर 4, और यहाँ पे कोई अंतर नहीं डिसाइड हो रहा है कि यहाँ पे हम लोग अंतर क्या रखें, तो और 22 और 35 के बीच का अंतर देखें तो 3 और एक 13 बन रहे हैं, तो 22 में 13 जोड़ रहे हैं तो आ रहा है 35, एक में 4 जोड़ रहे हैं तो यहाँ आ रहा है 5, यानी कि यहाँ पे 4 जोड़ा जा रहा है, यहाँ पे कितना जोड़ेंगे कि सब इक्वल हो जाए, यहाँ पे 13 का अंतर पड़ रहा है, यहाँ पे 4 का अंतर पड़ रहा है, ऐसा करते हैं यहाँ पे एक में 4 जोड़े, उसके बाद अगर यहाँ पे 5 में अगर 7, 5, 12 और 10, 22, हाँ बिल्कुल सही, अगर यहाँ पे हम लोग वाट के स्थान पे 12 भरते हैं, क्यों 12, क्योंकि आप खुद समझिए यहाँ से 1 से 5 तक के आया अंतर 4, 5 से 12 तक के अंतर आया 7 और यहाँ आया 10, यहाँ आया 13, तो हो क्या रहा है सब में तीन तीन बढ़ा करके अंतर को लिख रहे हैं। जैसे यहाँ पे अगर 12 हम लोग लिखेंगे तो 1 से 5 कितना ज़्यादा, 4 ज़्यादा, 5 से 12 कितना ज़्यादा तो 7 ज़्यादा, 12 से 22 कितना ज़्यादा तो 10 ज़्यादा और फिर 13 ज़्यादा। आप देख पा रहे होंगे कि पहले 4 ज़्यादा हुआ, फिर 7 हुआ, फिर 10 हुआ, फिर 13 हुआ, यानी कि 4 फिर 7 फिर 10 उसके बाद 13, यानी कि सब तीन तीन बढ़ के हो रहा है अंतर, इसलिए यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं ऑप्शन और चौथा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 12। तो ये सही है क्योंकि हमको ऐसे क्वेश्चन में हमको ऐसा ही पुट करना होता है जिसमें जो सटीक हो, सब लॉजिकली सीरीज सेम सेम बन सके, तो वैसे हम लोग काम करते हैं, राइट आंसर बनेगा चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कुछ पेन पेंसिल है, स्टेटमेंट रीजन का क्वेश्चन है, स्टेटमेंट और इसके साथ क्या निष्कर्ष निकलता है। हम पिछले सेट में आपको हमेशा बता चुके हैं कि जो भी कथन दिया रहेगा वो गलत भी रहेगा, फिर भी आपको सही मानना है और उसको सही मानने के बाद निष्कर्ष को चेक करना है। पहला कथन है कुछ पेन पेंसिल है, तो इसको बना दिए कुछ पेन, पी पेन 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 और यहाँ पे बना दिए पेंसिल, पेन मतलब पेंसिल और पेन मतलब पेन, तो कुछ पेन पेंसिल है, ये तो पहला निष्कर्ष बोला, कथन बोला, फिर बोला कुछ पेंसिल रबर है, तो कुछ पेंसिल को यहाँ पे बना दिया रबर, ये पेन है, ये पेंसिल है, ये कुछ रबर है, फिर बोल रहा है कुछ रबर शार्पनर है, तो कुछ रबर यहाँ पे कर दिया शार्पनर, यहाँ शार्पनर हो गया।
अब चलिए अब हम लोग देखते हैं कि क्या कौन सा निष्कर्ष सही। पहला निष्कर्ष है कुछ शार्पनर पेन है, तो कुछ शार्पनर पेन है तो हम ये बोल सकते हैं कि शार्पनर और पेन में हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, कन्फर्म तो नहीं ना है, इसलिए ये गलत हुआ। यानी कि कोई भी निष्कर्ष हमेशा कन्फर्म हो, सदा सत्य हो, तभी वो सही हो सकता है, अन्यथा वो गलत होगा। तो कुछ शार्पनर पेन है, कुछ हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन कन्फर्म तो नहीं रहे, इसलिए हो गया गलत। कुछ पेंसिल शार्पनर है, देखिए यहाँ पे पेंसिल है और यहाँ पे शार्पनर है, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, कन्फर्म नहीं है ये दोनों में, मतलब कि इसका जो डायग्राम है सट भी सकता है नहीं भी सट सकता है, तो कोई कन्फर्म नहीं है, इसलिए हो गया गलत। कुछ रबर पेन है, यहाँ रबर है यहाँ पेन है, तो हम ये बोल सकते हैं कि कुछ रबर पेन कन्फर्म तभी बोल सकते हैं जब ऐसा डायग्राम को शो करेगा, ये कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, मतलब दोनों ही केस होगा, तो ऐसे केस में हम लोग कन्फर्म नहीं रहने पे उसको गलत करते हैं। तो यहाँ तीनों निष्कर्ष गलत हुआ, इसका मतलब कोई अनुसरण नहीं करता है, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे देखिए हमें सवाल क्या बोल रहा है, सवाल बोल रहा है कि नीचे दिए गए आरेख हेतु कौन सी निष्कर्ष सही है। अब यहाँ डायग्राम दे दिया है और यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया है और डायग्राम दूसरे पेज में है, तो चूंकि आपको हम डायग्राम दिखाएंगे लेकिन ये जो निष्कर्ष है उसको पढ़ेंगे, और आप सुनिएगा कि हाँ जो पढ़ रहे हैं वो डायग्राम में क्या शो कर रहा है, क्या सूचित कर रहा है। चलिए यहाँ डायग्राम है, डायग्राम बढ़िया सा देख लीजिए, डायग्राम में बोल रहा है कि कुछ कप्तान पेंटर है, ये पहला निष्कर्ष है, पहला सही है कि नहीं है। कुछ कप्तान पेंटर है, यहाँ पे कप्तान यहाँ है और पेंटर पेंटर यहाँ है, तो कुछ कप्तान पेंटर नहीं हो सकते हैं क्योंकि दोनों का डायग्राम अलग अलग बनाया है, तो पहला निष्कर्ष हम लोग देखे कि गलत हो गया। दूसरा पढ़ते हैं, दूसरा बोल रहा है कुछ लेफ्टिनेंट पेंटर हैं, अब कुछ लेफ्टिनेंट पेंटर हैं, लेफ्टिनेंट तो यहाँ है, देख रहे हैं लेफ्टिनेंट का डायग्राम ये है और पेंटर का यहाँ है, तो कुछ लेफ्टिनेंट पेंटर नहीं हो सकते हैं क्योंकि दोनों का क्रॉस नहीं हो रहा है, इसलिए दूसरा निष्कर्ष भी गलत है। तीसरा बोल रहे सभी मेजर सैनिक हैं, सभी मेजर सैनिक, देखिए सभी मेजर यहाँ है और सैनिक का बड़ा है, तो हम लोग तो आराम से बोल सकते हैं कि अंदर वाला सभी के केस में होता है, तो सभी मेजर सैनिक हैं क्योंकि सैनिक के अंदर मेजर हैं, तो ये तीसरा निष्कर्ष सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो निष्कर्ष है सभी कप्तान सैनिक है, सभी कप्तान सैनिक, जी हाँ यहाँ पे कप्तान का डायग्राम है, बाहर वाला ऊपर सैनिक का डायग्राम है, तो हम बोल सकते हैं कि ये भी सही है, सभी कप्तान सैनिक के अंदर आ गए, इसलिए सभी कप्तान सैनिक होंगे, कन्फर्म है। नेक्स्ट है सभी सैनिक पेंटर है, सभी सैनिक और पेंटर तो अलग है, ये तो उल्टा बोल रहा है, अगर बोलता कि सभी पेंटर सैनिक हैं तो सही होता, लेकिन यहाँ बोल रहा है कि सभी सैनिक पेंटर हैं, ये बातें गलत होगा, तो आप ऑप्शन देखिए तीसरा और चौथा सही है, यानी कि पांच निष्कर्ष इस सवाल में दिए हुए थे जिसमें तीसरा चौथा करेक्ट है, तो आप देख लीजिए खुद से। तो पहला ऑप्शन है ओनली वन एंड फाइव, वन थ्री फाइव, थ्री एंड फोर, ये सही है ऑप्शन नंबर चौथा, केवल तीसरा और चौथा सही है, बाकी सब गलत है, तो इस तरह से हम लोग चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि इसको अगर फोल्ड किया जाए ना, फोल्ड किया जाए तो कौन सा करेक्ट होगा, फोल्ड करने पे कौन सा, सॉरी फोल्ड किया हुआ है इसको अगर खोलेंगे तो कैसा दिखेगा, यहाँ पे छिद्र किया हुआ है, पहले हम लोग को ऐसे खोलना है, तो इसको अगर ऐसे खोलेंगे तो डायग्राम देखिए ऐसे बनेगा, फिर यहाँ ऐसे बनेगा, जब इसको खोल दिए तो इसको खोलने के बाद यहाँ से फिर ऐसे खोलना है, तो जब ऐसे खोलेंगे ऐसे रहेगा और फिर से इसको दोबारा से अगर ऐसे खोलेंगे, यहाँ से ऐसे आएगा, यहाँ से ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, तो ये वाला तो रहेगा ही रहेगा, मतलब कि बीच में ऐसा होना चाहिए, फिर इधर ऐसा होना चाहिए, फिर इधर ऐसा होना चाहिए, तो ऑप्शन में देख पा रहे होंगे कि ये सब में है, लेकिन अभी भी हम इसको गलत काट सकते हैं, क्यों, क्योंकि जब इसको खोलेंगे हम, जब इसको हम खोलेंगे तो चारों तरफ छिद्र नहीं बनेगा ट्रायंगल का, हमेशा एक साइड बनेगा और ऐसे बनेगा, तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन जब इसको हम खोलेंगे तो अब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ से ऐसे भी बनेगा,
ये वाला का आधा टुकड़ा इधर बनेगा और आधा टुकड़ा ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा बीच में, और बीच में इसमें भी है इसमें भी है। अब ये तो छट गया, इसमें और इसमें से कौन सा होगा? तो आप खुद समझिए कि जब हम इसको खोल रहे हैं ऐसे, देखिए यहाँ से ऐसे खोलेंगे तो ये वाला बीच वाला भाग भी तो कटिंग होगा और वो कटिंग होकर ऐसे बनेगा, चारों कोने पे आएगा। तो चारों कोने पे ऑप्शन नंबर दूसरा में है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, बाजरा है, चावल है, सरसों है, गेहूं है, ये ऑड चुनना है, विषम चुनना है। तो आप देख पा रहे होंगे कि एक दूसरा ऑप्शन सरसों है, जो जिससे हम लोग तेल निकाल सकते हैं, और बाकी सब में तेल वाला कोई भी अनाज या फिर कोई भी नहीं है इसमें से जिससे हम लोग ये कर सकते हैं। बाकी सब तो मतलब ये बोल सकते हैं कि चारों में से सिर्फ सरसों का ही हम लोग इसमें से तेल निकाल सकते हैं, उसका यूज तेल के रूप में कर सकते हैं, बाकी सब में किसमें किसी भी तेलहनी बोल सकते हैं कि नहीं है। तेलहनी मतलब कि जो तेल के जिससे तेल निकाला जाता है, तो ये तेलहनी फसल बोल सकते हैं, बाकी ये सब तेलहनी में नहीं आता है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्शन से, बोल रहा है अनुष्का एल बिंदु से प्रारंभ होकर 10 मीटर उत्तर की ओर जाती है, यही बनाते हैं। एल है एक बिंदु, यहां से 10 मीटर ऊपर गया कोई, उसका नाम है अनुष्का, उत्तर गया, उत्तर की ओर चलती है, फिर वह दाएं मुड़ती है और 5 मीटर, तो यहां से दाएं इधर होगा और 5 मीटर चला, फिर वह बाएं मुड़ती है 10 मीटर चलती है, तो बाएं मुड़ेगी तो आगे जाएगी 10 मीटर और आगे, आगे का मतलब उत्तर की ओर, ऊपर की ओर 10 मीटर और चलती है, और एक बार फिर बाएं और मुड़कर 5 मीटर चलती है, तो फिर यहां से बाएं मुड़ेगी तो 5 मीटर, तो मतलब यहां पहुंच गई। अब बोल रहा है कि एम 5 मीटर चले तो एम पर पहुंच गए, अब बोल रहा है कि एल से कितना दूर है, तो एल से यहां तक के 10 मीटर दूरी है और यहां से यहां तक 10 मीटर दूरी है, तो टोटल कितना डिस्टेंस हुआ, 20 मीटर, ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। तो ये डायरेक्शन बेसिस पे है, आपको डायरेक्शन फटाफट आनी चाहिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ और ईस्ट साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ ईस्ट ये सब, तो आपको फटाफट क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि घोड़ा है और घोड़े की चाल है, ये दोनों में जो रिलेशन है वही हमें मेमना और उसके साथ किस में रिलेशन चाहिए। तो मेमना काठ, उड़ जाना, धीमी गति से चलना, उछल कूद। देखिए घोड़ा जो है घोड़े की चाल से रिलेशन है, उसी तरह से मेमना जो है लैम मेमना वो उछल कूद करेगा, तो ऑप्शन नंबर चौथा होना चाहिए, चौथा होगा इसका रिलेशन। नेक्स्ट है मैट्रिक्स है, और हम तो बताए हुए हैं कि मैट्रिक्स को कैसे करना है। मैट्रिक्स में हमें चाइल्ड का खोजना है, चाइल्ड का ढूंढना है, तो चाइल्ड का हम ऑप्शन से चेक करेंगे, 5-5 में कौन है, तो 5-5 में सी है, सी चाहिए, दूसरा में एच चाहिए, 1-3 में एच चाहिए बिल्कुल है, 4-2 चार और दो में आई चाहिए, आई भी है, 7-9 सात और एन में 9 में एल चाहिए, ओ भी है, 6-8 और 8 में देखिए डी है, यानी कि सब तो चाइल्ड मिल गया, तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाए। नेक्स्ट बोल रहा है कि विषम चुनना है, विषम चुनना है, और विषम में सबसे पहले अटैक करते हैं सम विषम पे, तो ये विषम संख्या, ये विषम संख्या, ये विषम संख्या, और 390 जो है सम संख्या है, तो पहले इवन ऑड का केस चेक करते हैं, क्योंकि जनरली ये केस ज़्यादा लगता है, तो इसलिए इवन ऑड पे सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं, नहीं होता है तो रूट अंडर देखते हैं किसका सही पूरा पूरा रूट निकल रहा है, कौन अभाज्य है, इस पर भी बहुत सारा, इसका कोई रूल नियम नहीं है कि क्या क्या चेक करेंगे, वो आप पे डिपेंड करता है कि किसी तरीके से आप ऑड चुनिए। तो यहाँ से हम लोग इवन ऑड का केस पे हम लोग कर सकते हैं कि 390 इवन है बाकी सब ऑड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें बोल रहा है कि एक जो फिगर दिया हुआ है इसका मिरर इमेज क्या होगा, तो मिरर के सामने कैसा प्रतिबिंब बनेगा, ये चार ऑप्शन दिया हुआ है। तो ये तो बात पक्का है कि ऐसे रहेगा तो इसका मिरर इमेज उल्टा बनेगा, मतलब कि ये इधर का है तो इधर दिखाएगा उल्टा होता है, और ये इधर है तो इधर दिखाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, ये मिरर इमेज का है और मिरर इमेज चौथा की तरह बनेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं फिगर कैसा दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, फिर बोल रहा है कि ये बेसिकली बोला जा रहा है कि प्लस जो है, प्लस का मतलब भागा है, भागा का मतलब गुना है, गुना का मतलब घटाना है, घटाना का मतलब जोड़ है, तो अगर ऐसा चेंज कर दिया जाए, ऐसा चेंज कर दिया जाए यहाँ पे,
तो कौन सा रिलेशन सही होगा वो आप खुद से इसमें चेक कर सकते हैं सबको। जैसे भागा है तो भागा की जगह पे हमें क्या बोल रहा है, भागा का मतलब यहाँ पे गुना बोल रहा है, तो यहाँ पे गुना देंगे। यहाँ पे जोड़ का मतलब क्या बोल रहा है, तो वैसे चारों ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा, वो तो आप चेक कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे आपको चेक ही करना होगा और कोई उपाय नहीं है। अब इस क्वेश्चन को जो जल्दी कर सकता है वो वही जल्दी कर सकता है जिसका कैलकुलेशन फास्ट होगा। तो प्लीज़ आप कैलकुलेशन फास्ट रखिए, प्रैक्टिस कीजिए कैलकुलेशन का, तो चीज़ें जल्दी होगी। तो इसको आप चेक कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है। आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। शॉर्ट नोट्स कैसे, तो प्लस का मतलब भाग, ये हुआ। फिर बोल रहा है भाग का मतलब गुना, भाग का मतलब गुना दिए। उसके बाद गुना का मतलब घटाना, घटाना दिए। घटाना का मतलब जोड़, घटाना का मतलब जोड़। अब यहाँ से इस चीज़ों को इसमें चेंज करके और सब कुछ चेक करना है, तो वो चीज़ें आप कर सकते हैं, फिर ऑप्शन चुन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लड़के का परिचय देते हुए रमा ने कहा, एक लड़के ने परिचय देते हुए रमा ने कहा, इसके बहन के पिता मेरे ग्रैंडफादर के इकलौते पुत्र हैं। एक कोई रमा है, रमा ने कहा इसके बहन के पिता मेरे ग्रैंडफादर के, बहन के जो पिता हैं, एक लड़के का परिचय देते, तो रमा ने कहा कि एक लड़के का बहन, इस बहन के पिता रमा है, रमा एक लड़का यहाँ है, इसके बहन यहाँ पे होगी कोई बहन है, इसके जो पिता होंगे, ऊपर पिता है, वो बोल रहे हैं मेरे ग्रैंडफादर के इकलौते पोते हैं। मेरे ग्रैंडफादर के इकलौते पोते यानी कि अपने दादा का इकलौते पोते हैं। इकलौते पोते का मतलब वहाँ पे खुद हो गया वही जो लड़का बोल रहा है, तो खुद यहाँ पे है, यानी कि जो रमा है लड़का, उसके अपने बहन के पिता, जो बहन के पिता जो है रमा का, वो बोल रहा है कि मेरे ग्रैंडफादर के इकलौते पोते हैं, यानी कि जो मेरे दादा है ना उसके इकलौते पोते हैं, मतलब खुद हो गया वही जो बोल रहा है, मेरे दादा के इकलौते पोते हैं, तो मेरे दादा के इकलौते पोते तो खुद हो गया ना, तो वो खुद हो गया यहाँ पे। अब वहाँ के बोल रहा है कि मेरे लड़के का बहन के पिता, तो लड़के का बहन का पिता, तो बोल रहा है किस प्रकार, रमा जो है लड़के से किस प्रकार संबंधित है, रमा का वो क्या लगेगा, रमा जो है क्या लगेगा। तो यहाँ पे रमा और यहाँ पे, तो रमा का ये बहन, लड़के का बहन, यह रमा है उसकी बहन के पिता, तो उसके बहन के पिता यहाँ तो माँ हो सकती है या आंट हो सकती है, क्योंकि बहन है, और उसके बहन के जो पिता होंगे तो हो सकता है कि वो माँ भी हो सकती है या फिर आंट भी हो सकती है, चाची भी हो सकती है, तो इसमें कन्फर्म नहीं है, यानी कि यहाँ हो सकता है दूसरा भी हो सकता है, चौथा भी हो सकता है। आप खुद इसमें एक दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मिस आउट होते हैं गलती से, तो यहाँ पे मेरे को लगता है कि जब लड़के के बहन के पिता, यहाँ तो हम खुद हो गए ना, क्योंकि बोल रहा था कि ग्रैंडफादर के इकलौते पोते हैं, तो यहाँ खुद हो गए, और लड़का यहाँ है और यहाँ के बहन, तो इसकी बहन और उसके पिता है, तो यहाँ पे तो खुद हो गए, तो इसमें कन्फ्यूजन है, इसको आप खुद से चेक कर लीजिएगा, ये कन्फ्यूजन क्वेश्चन है या फिर मिस आउट हुआ होगा इस क्वेश्चन में, तो गड़बड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोल रहा है कि इंडिया को LQZLD लिखा जा रहा है, तो जापान को कैसे लिखा जाएगा। इंडिया को ये लिखा जा रहा है, तो आई है यहाँ पे और यहाँ पे एल है, यानी कि जे के का गैपिंग किया है, एन है यहाँ पे क्यू है, ओ पी का गैपिंग किया है, डी है ई एफ का गैपिंग करके जी लिखा है, मतलब दो दो का गैपिंग करके लिख रहा है, तो जे है के एल को गैपिंग करेगा एम लिखेगा, एक बी सी को गैप करेगा डी लिखेगा, तो ऑप्शन नंबर तीसरा हो गया क्योंकि और बाकी में एम डी कहीं नहीं है। तो इस तरह से कंप्लीट हुआ आज का 25 क्वेश्चन। ये 24 क्वेश्चन को आप बिल्कुल ट्राई कीजिएगा, हालांकि ये क्वेश्चन तो मेरे हिसाब से लगता है गलती है, कहीं ना कहीं मिस आउट लग रहा है क्वेश्चन, तो ट्राई कीजिएगा, अगर बनता है तो शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। फिलहाल बहुत बहुत आपका धन्यवाद पूरे वीडियोज को देखने के लिए, बिल्कुल मेरे साथ जुड़े रहें। कोई भी प्रॉब्लम मेरे ईमेल आईडी से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैंने इसके वीडियो पहले वीडियो में ईमेल आईडी भी दे रखा है, तो बहुत बहुत वेरी वेरी थैंक्स।